सॉरी जो है वीडियो हमारी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि हमारा डाटा सारा है, अब हमने कर्व प्लॉट करनी है। प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। वो इतने छोटे सेगमेंट्स हों कि आपकी कर्व का इफेक्ट उसमें बहुत माइनर हो जाए, आपकी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व हो जाए। इतने छोटे सेगमेंट्स आपने लेने हैं। अभी टोटल लेंथ आपकी T1 से T2 तक कर्व की लेंथ टोटल है 130.89, आपने इसमें ऐड किया है। ये आपकी आपने स्टार्ट किया, सपोज़ आप जो है वो इस तरह से करते हैं, आप टेबल बना लें। T1 आपका पॉइंट है, उसके बाद आप जो है पेग्स हैं P1, P2, P3, P4, P5 अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपकी लेंथ कन्वर्ट नहीं होता, चेक नहीं हो जाती। अच्छा इसमें ये है कि आपकी जो T1 की है चेंज वो आपके पास 1183 है। ये देखिए जी आपके पास जो है ये T1 की चेंज है, T1 की चेंज जो है 1183 है। अच्छा यहाँ पे तो लेंथ ऑफ ये T1 पे तो ज़ीरो होगा, उसके बाद आप फर्स्ट कार्ड लेने लगे हैं। सपोज़ हम अगला पैग लगाते हैं P1, P1 जो है ये देखें ना, ये है P1, P1 से आपकी चेंज आपने ले ली है। इसको स्मूथ करने के लिए कि 1183 है फिर 1193 करना पड़ेगा, तो इसको स्मूथ करने के लिए आप 7 मीटर का सेगमेंट ले लें, पहला छोटा ले लें। 1183 है प्लस 7 करेंगे तो 1190 हो जाएगा फर्स्ट सेगमेंट, उसकी लेंथ ऑफ कार्ड होगी 7 मीटर। अच्छा अब आपने इसका एंगल फाइंड करना है 7 मीटर का। 7 मीटर का एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये आपके पास एंगल ऑफ ईच सेगमेंट जो है वो कैसे होते हैं, 90 × L, जो आपकी कार्ड लेंथ आपने 7 ली है वो डिवाइडेड बाई पाई आर, ये डिग्रीज में आपके पास एंगल आएगा। तो वो आपके पास जो है वो आप इसमें ये थीटे वाली जगह पर आप यहाँ पे 7 के सामने पुट कर देंगे कि ये इसका एंगल है, और कमुलेटिव एंगल भी वही होगा। फिर आप P2 की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं मैं 10 मीटर के आगे सेगमेंट्स लेता हूँ। आपने 1190 था, अब आपका हो जाएगा 1200, 1190 से आपका हो जाएगा 1200 में सेगमेंट हो गया 10 मीटर का। एंगल फाइंड करेंगे और फिर कमुलेटिव एंगल पिछले एंगल को उसमें ऐड करके ये फाइंड करेंगे। इस तरह से हर सेगमेंट में आप इंडिविजुअल एंगल फाइंड करते चले जाएंगे और उसका कमुलेटिव एंगल फाइंड करते चले जाएंगे। लास्ट में आपके पास क्या बनेगा, 13 आएगा, यहाँ पे आपका फिर 13 हो जाएगा, और लास्ट सेगमेंट आपका तकरीबन बनेगा 3.89 मीटर का, उसका एंगल फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में कमुलेटिव एंगल आप इसका फाइंड कर लेंगे। अब कमुलेटिव एंगल्स आपके आ गए हैं, इन कमुलेटिव एंगल्स को आपने यूज़ करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है T1 पर। T1 पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और फोकस करेंगे बी को। T1 पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, T1 आपके पास पॉइंट आ गया था कितने मीटर बैक आना है। बी को आप रेंजिंग रॉड लगा के फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद अब आपने अपने सेगमेंट्स के एंगल्स और उनके डिस्टेंसेस जो कार्ड लेंथ्स हैं उनको आपने लेना स्टार्ट करना है। लेना कैसे स्टार्ट करना है कि T1 पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, सेट करने के बाद जो आपका यहाँ पर 7 मीटर का सेगमेंट है और उसका कम्युलेटिव एंगल वो आपके पास होगा। आपने बी को सेट करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को 0-0 करना है। 0-0 इंस्ट्रूमेंट को करने के बाद आपने फर्स्ट सेगमेंट लेना है और उस टेप को आपने एक सिरे को रखना है T1 पर, और दूसरा आपने जो है रेंजिंग राड को ले लेना है 7 मीटर के ऊपर, आपने पॉइंट लगा के उस पर रेंजिंग राड रख के आपको जो इंस्ट्रूमेंट वाला है वो आपको एंगल सेट करके जो भी आपका फर्स्ट सेगमेंट का एंगल होगा सेट करने के बाद वो आपको गाइड करेगा कि आपने अपने रेंजिंग राड या पैग को किस पॉइंट पर लगाना है। वो मूव करवाएगा यहाँ यहाँ आगे पीछे टू एंड फ्रो 7 मीटर के ऊपर, वो आपसे पैग लगवाएगा कि इस जगह पर एंगल फिट है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, यहाँ एंगल लगा दें। फर्स्ट आपका पॉइंट लग गया, लगने के बाद आप फिर सेकंड जो पॉइंट है उसका जो कम्युलेटिव एंगल बना होगा वो लेंगे, और उस कम्युलेटिव एंगल के ऊपर वहीं से ही आप जो पहले आप एंगल स्टार्ट किया होगा, क्योंकि कम्युलेटिव एंगल ले रहे हैं तो वहीं से ही आप आगे थोड़ा मूव करेंगे कम्युलेटिव एंगल में, और लेने के बाद उसको कहेंगे जो आपका जिसके पास टेप है, टेप वाला जो बंदा है वो यहाँ पर एक पॉइंट रखेगा, पहले आप उसने यहाँ रखा था और टेप को 7 मीटर पर यहाँ रखा था, अब एक पॉइंट को एंड यहाँ पर रखेगा इस P1 पर, P1 लगा देते हैं।
ये आपके पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4 एंड अप टू सो ऑन। वो P1 पॉइंट पर टेप रखेगा और फिर आप 10 मीटर को वो अपनी ओपन करेगा अपनी टेप को और रेंज और अब फिर आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट वाला आपको गाइड करेगा कि आपने पैग कहाँ लगाना है। वो यहाँ यहाँ मूव करेगा और अपने पैग को लगाएगा। इस तरह से आप सेगमेंट 10-10 मीटर के लेते जाएंगे और कम्युलेटिव एंगल लेते जाएंगे। एंगल से आप मूव करते चले जाएंगे और पैग्स लगते चले जाएंगे यहाँ तक कि एंड पॉइंट पर आप पहुँच जाएंगे। जब आपके पैग्स लग जाएँ तो फिर आप उन पैग्स को मिला देंगे तो आपकी एक कर्व प्लॉट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है और सिंपल सर्कुलर कर्व बिल्कुल ईजी है प्लॉट करना। तो ये आप इजीली फील्ड पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू।